हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में आपको बीपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 की सारी अपडेट्स देने वाली हूँ। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है जो कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए निकाली गई है। 1051 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको सारी वैकेंसी डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीजें बताने वाली हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग डेट है 15/1/2024, लास्ट डेट 28/1/2024 है, प्री पेमेंट लास्ट डेट 28/1/2024 है। फी डिटेल को देखें तो फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस 750 रुपीज एप्लीकेशन फी रखी गई है, फॉर एससी एसटी पीएच 200 रुपीज एप्लीकेशन फी रखी गई है। फी आप पे कर सकते हैं ओनली ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड। जॉब लोकेशन बिहार रहने वाला है। एज लिमिट एस ऑन 1/8/2023, मिनिमम इस कैंडिडेट की 21 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 37 इयर्स होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल दिया जाएगा। टोटल इसमें 1051 पोस्ट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज देखें तो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर इसके लिए 155 पोस्ट्स है, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, आत्मा असिस्टेंट डायरेक्टर क्रॉप्स इसके लिए 19 पोस्ट्स है, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इसके लिए 11 पोस्ट्स है और असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन इसके लिए 866 पोस्ट्स निकाली गई है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को देख लेते हैं। तो फॉर ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एग्रीकल्चर साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, आत्मा असिस्टेंट डायरेक्टर क्रॉप्स इसके लिए क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एग्रीकल्चर साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इसके लिए क्वालिफिकेशन, बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन इसके लिए क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगेगा फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो एडुकेशनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर। सिलेक्शन मोड की बात करें तो रिटन एग्जाम लिया जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा और बाद में फिर आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। इसमें जो रिटन एग्जाम होगा वो 3 सब्जेक्ट का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी 100 मार्क्स के होंगे, सामान्य ज्ञान 100 मार्क्स के होंगे और एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट इससे रिलेटेड 200 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 400 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा और इन सब के लिए आपको दो घंटे का टाइम दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं और इससे रिलेटेड और भी सारी जानकारी डिटेल में ले सकते हैं। ओके, तो और भी जॉब अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।